मेरा नाम सपना चौरसिया है। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मेरी माँ मुन्नी देवी और पिता स्वर्गीय राम नारायण चौरसिया निवासनी सामने घाट लंका वाराणसी। हम दो भाई और चार बहन हैं, जिसमें से मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी माँ के घर के पास रहने वाली एक किरण नाम की महिला, उसका मेरे घर आना जाना था। एक दिन मेरी मम्मी ने उसके साथ बोला कि जाओ फ़ोटो खिंचवाने के बहाने वो मुझे रेस्टोरेंट में ले गई। रेस्टोरेंट में जाकर वो मुझसे कुछ बातें की। बातें करने के बाद थोड़ी देर जब हम वहाँ रुके, हम बोले इतना देर क्यों हो रहा है, तो बोली कि अभी टाइम है, हमें कुछ काम है यहाँ। तो वहाँ थोड़ी देर के बाद ही 2-3-4 लोग वहाँ पे आए। चार लोग, लंबू पबलू, विनोद धोबी, बंटी वकील और सुनील, इतने लोग वहाँ थे। किरण ने कहा कि इस पेपर पे सिग्नेचर कर दो। मैंने कहा ये कैसा पेपर है, तो उसने कहा कि इस पेपर पे सिग्नेचर कर दो, कुछ काम का पेपर है। हमें ये नहीं बताया कि ये क्या है, उस पर हम पढ़े भी नहीं और उस पर हम सिग्नेचर कर दिए। करने के बाद उसने बताया कि ये इस पेपर पे जिस पे तुम सिग्नेचर की हो, उस वो पेपर ज़बरदस्ती उस पेपर पे सिग्नेचर करवाई और कहा कि तुम्हारी शादी हो गई। हमको ऐसा फील हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसे कह रही है। बोली नहीं, तुम्हारा शादी हो गया। और हम इतने ही सुन करके इतना रोने लगे हैं। फिर हम कहे ये कैसे शादी होता है, शादी तो इस तरह से होता नहीं है। बोली नहीं, शादी तुम्हारा हो चुका है, अब तुम्हारे हाँ या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम बोले नहीं, जब तक मेरी मम्मी नहीं रहेंगी हम ये सब नहीं कर सकते हैं। तो बोली नहीं, मम्मी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को बताना भी मत। तो इतना कहने के बाद फिर वो हमको अपने मेरे घर छोड़ी। फिर चार दिन बाद हम गेट के बाहर किसी काम से निकले और कुछ ही देर बाद वहाँ सुनील वैन लेकर के आया और ज़बरदस्ती हमें वैन में बैठा लिया और फिर बैठा करके ज़बरदस्ती हमको अपने घर ले गया। उसके घर जाते ही सुनील ने सबके सामने कहीं उसके मम्मी पापा मेरी देवरानी जेठानी सभी लोग घर में थे, यहाँ तक मेरी नंद भी थी, सभी के सामने किरायेदार भी थे, सबके सामने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मैं एकदम से घबरा गई और रोने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम मना करने के बावजूद उसने हमको मारने लगा। उसी टाइम ही तुरंत हमको आए 5 मिनट भी घर में नहीं हुआ तो मेरे साथ ये सब होने लगा था। ये देखकर भी घर में एक आदमी भी कोई भी कुछ भी नहीं कहा और सब देख रहे थे खड़े होकर तमाशा। सुनील ने सबके सामने मेरे साथ बहुत बुरा किया, कपड़ा ही नहीं निकाला उसके साथ, जितनी बुरी हो सकती है सबके सामने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और सब लोग खड़ा होकर देख रहा था। और फिर उसके बाद हम अपने घर कभी किसी को नहीं बताएं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। ऐसे ही रोज एक एक दिन ऐसा ही होता था, सबके सामने मैं हमको बेइज्जत करता था, ऐसे ही रोज करता था, डेली प्रतिदिन ऐसे ही कभी मार, जब भी हम ना करते तब उनको मारना पीटना शुरू कर देता। इसी तंग आ करके हम अपने घर जाने के लिए बोलते तब भी हमको मारने लगता। तो हम ऐसे ही करके कई बार कितनी बार हम घर चले गए। घर जाने के बाद वो हर प्रकार से मेरे परिवार को परेशान करने लगा, यहाँ तक मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरी बहन को बोला कि तुम्हारे बहन का घर उजाड़ देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे घर में किसी को जीने नहीं देंगे, सबको मार देंगे, ऐसे ऐसे बातें कहने लगा, जिसकी वजह से न चाहकर भी हमें जाना पड़ा। फिर हम गए, फिर वहाँ
ये सब हुआ, फिर उससे भी बदतर करने लगा, घर में बंद करके रखना। मतलब इतना बुरा कर दिया था कि शायद मेरा जीना भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से आज हम जिंदा हैं शायद। शायद एक लड़की साथ ऐसा कभी होता नहीं है, मेरे साथ वो हुआ, शायद शायद दुनिया में किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि किसी फैमिली के सामने मेरे सारे कपड़े उतारे और उनको बेइज्जत किया। बस इतना ही नहीं, यहाँ तक अपने मोहल्ले वाले के सामने भी उनको मारता पीटता, सब कुछ करता। यहाँ तक हमको फिर जब ये सब बातें नहीं उससे हुई, उसने एक दिन हमको पागल वाले डॉक्टर के पास ले गया और बेवजह हमको दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दिया। जब भी हम बोलते हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो वो दवाइयाँ खिलाना शुरू कर देता। ऐसे करते करते दवा खिलाते खिलाते इंजेक्शन देते देते इतना ज़्यादा, मतलब हमको खुद नहीं पता होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज़ ऐसे ही करता कि ड्रिंक पिलाना, यहाँ तो लोग एक बोतल, हम एक दो तीन बोतल एक दिन में हम पी लेते थे। आप विश्वास नहीं करते, मेरे साथ वो हो गया जिसका हमें उम्मीद भी नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ हो सकता है। मेरा उसने सुनील ने MMS बनाया था और उसे नेट पे दिखाने के लिए बोलता था, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो शायद नेट पे हम दिखा देंगे। इसी डर से हम किसी से कुछ भी नहीं कहते थे और आज उसका इतना मन बढ़ गया है कि उसका जो मन करता है सो सबसे कहता है मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें, और सब उस पर विश्वास करते हैं, मेरे बातों पे कोई यकीन नहीं करता, जबकि सारी बातें ये सच है। हमको पागल साबित करने के लिए वो इतना हद तक गिर गया, उसने मेरे बाल काट दिए। मुझे पागल करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो हर चीज़ किया, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी सब हमको पागल कहते हैं। उसके मोहल्ले में रहने वाले लोग, यहाँ के आस पड़ोस के लोग, यहाँ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि ये पागल है, हमसे कोई बात नहीं करता और ना ही कोई हमें देखना भी पसंद करता है। हम घुट घुट के ज़िंदगी जीने लगे। इन 7 सालों में 7,000 भी उससे भी ज़्यादा मेरा मौत हुआ, मौत से भी बदतर ज़िंदगी हम जिए हैं। अब हम नहीं और जीना चाहते थे, लेकिन एक आखिरी बार हम उम्मीद बस लिए हैं कि शायद आप लोग का साथ हो, हम जिंदा रहना चाहते हैं। प्लीज़ हमारा हेल्प करिए, प्लीज़ हमारा हेल्प करिए।